नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार बोले मोदी, जमीन के भूखे नहीं, कभी किसी और पर नहीं किया आक्रमण। हमारे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ, प्रवासी भारतीय केंद्र का किया उद्घाटन। पाकिस्तान की ओर से पंजाब में गुब्बारे आने के बाद कबूतर से मिली चिट्ठी, उर्दू में लिखा मोदी, पाक का बच्चा बच्चा लड़ने के लिए तैयार। राजस्थान के बाड़मेर के बाद गुजरात के पोरबंदर से हिरासत में लिए गए 9 संदिग्ध, कोस्ट गार्ड ने पकड़ी पाकिस्तानी नाव। बिहार में शराबबंदी का नया कानून लागू, पासवान ने साधा निशाना, कहा शराबबंदी के नाम गांधी बनने चले हैं नीतीश कुमार। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का बयान, पीएम मोदी के 56 इंच के सीना को बताया 100 इंच, कहा हमारी वृद्धि दर चीन से अधिक। पीएम मोदी ने दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का उद्घाटन किया है। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। पीएम ने कहा कि दुनिया के 150 देशों में प्रवासी भारतीय रहते हैं। कई देश ऐसे हैं जहां मिशन की शक्ति से कई गुनी शक्ति प्रवासी भारतीयों की है। मोदी ने कहा है कि दुनिया में भारत की पहचान अप्रवासी है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं बल्कि शक्ति के तौर पर देखना चाहिए। गांधी भारत से बाहर गए थे लेकिन देश की पुकार की वजह से वे भारत लौट आए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की थी और हम आज इसे आगे बढ़ा रहे हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सेना के जवान चंदू बाबूलाल चौहान को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए DGMO के जरिए एक सुगठित तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। चौहान गलती से सीमा पार कर गए थे जिसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ लिया। पर्रिकर ने कहा वो सीमा पार कर गए, ऐसा सीमाई इलाकों में होता रहता है। सैन्य अभियान महानिदेशक के जरिए एक सुगठित तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी असामान्य चीज की पुलिस को जानकारी देनी चाहिए। बीती 30 सितंबर को 37 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान चौहान गलती से नियंत्रण रेखा पार गए थे। DGMO ने हॉटलाइन पर पाकिस्तान को इसकी जानकारी दे दी है। पटना हाईकोर्ट में शराबबंदी कानून रद्द होने के बाद बिहार सरकार ने फिर से शराबबंदी कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। नए कानून को लेकर अधिसूचना जारी होने से पहले ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। पासवान ने नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा कि शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार गांधी जी बनने चले हैं। पटना में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पासवान ने कहा कि NDA भी शराबबंदी के पक्ष में है लेकिन शराबबंदी के नाम पर गरीब और सेना के जवान को जेल में क्यों बंद कर रहे हैं। पंजाब के पठानकोट के सरहदी इलाके में सेना को एक उत्तर मिला है जिस पर एक चिट्ठी बंधी है। चिट्ठी पर लिखा है मोदी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ने के लिए तैयार है, कश्मीर पर जुल्म का बदला लिया जाएगा, ये अब 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है। बता दें कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए कुछ गुब्बारे भी भारत के पंजाब में पहुंचे थे जिन पर टेप से उर्दू में लिखकर पर्चे चिपकाए गए थे। इन पर्चों पर बदला लेने की बात लिखी गई थी। ये पर्चे पंजाब के कई जिलों में मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।